हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सोनिया जसवाल, पीजीटी मैथमेटिक्स। सो वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। मैंने जैसे आपको बताया था, टुडे इज फ्राइडे, आवर मैथ्स क्लास एंड हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आरआईएनसी एंड आरएमएस के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए। ज्योमेट्री स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, डेली क्लासेस हो रही हैं आपके, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट हो रहे हैं, मंथली फी आप पे कर सकते हो। अगर कोई बच्चा फुल टाइम की फी नहीं दे पाता है तो उसके लिए हमने एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड किया है जो मंथली फी है। आप मंथली फी के बेसिस पे भी आप हमारी क्लासेस, हमारे लाइव बैच या हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ अलाउड, बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं अलाउड हैं। आपको कोई भी किसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिया गया है उस पे आप कॉल करिए और पूछिए। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ जो है वो मेन है कि हमारा दिसंबर आरआईएमसी का जो बैच है उसके लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू बैच। हमारा एक सेशन, टू सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नया अपना थर्ड आरआईएमसी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है 15 सितंबर से। तो इसके लिए भी हमारे 25 कैंडिडेट्स हैं। तो हरी अप, सीट्स लिमिटेड हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, टाइमली हमारे बैच को ज्वाइन करिए ताकि हम आपको आरआईएमसी के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो टुडे आवर टॉपिक इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो वॉट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? यू नो दैट, यू नो वेरी वेल दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है जो आपका प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड एट रेगुलर इंटरवल। जैसे आपने मनी डिपॉजिट करवाई 2 ईयर्स के लिए, ओके? तो 2 ईयर्स के लिए जब आप मनी डिपॉजिट करवा रहे हो तो 1 ईयर के बाद जो उसका इंटरेस्ट आया वो आपके प्रिंसिपल में एड ऑन हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा वो आपके प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ के ऊपर लगेगा, ओके? सो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पेड ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, ओके? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले अमाउंट, अमाउंट का हमारा फॉर्मूला है पी ब्रैकेट 1 + r/100 raised to power n। n मीन्स टाइम, p क्या है आपका प्रिंसिपल, r आपकी रेट है, n अपॉन 100। अब हम बात करते हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 + r/100 - 1, ठीक है? मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू a माइनस p, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना। अमाउंट का एक आप ऐसे भी लिखते हो p, p इज द प्रिंसिपल, 1 + r/100 raised to power n, n is the time, ठीक है? n जो है वो टाइम, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है। सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो आपने अमाउंट निकाला उसमें से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दीजिए, दैट इज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं हाफ ईयरली। जब आपके पास हाफ ईयरली होता है, आपको हाफ ईयरली बोला जाए, तो उस केस में जो आपको रेट गिवन होती है उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हो और जो आपको टाइम गिवन होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर? ये आप बाकी सारा सेम है, वही अमाउंट का फॉर्मूला होगा, लेकिन रेट जो है वो r/2 हो जाएगी और जो टाइम है वो आपका प्राइस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके? ये किसके लिए होता है? जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोला जाए। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी क्वार्टरली। जब आपको क्वार्टरली बोला जाता है तो क्वार्टर मीन्स 4, तो आप रेट को क्या करोगे, r/4, मतलब 4 से डिवाइड। पहले आपने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड किया था,
अब क्वार्टरली मीन्स 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला आपका सेम है। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 3 ईयर्स 8% पर एन। तो आपको अमाउंट फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू पावर एन। तो आपका कितना आ जाएगा, पी कितना है आपका 20,000 ब्रैकेट 1 + 8/100 रेज टू पावर 3, 4 × 2 = 425। तो आपका कितना आ जाएगा ये 20,000 मल्टीप्लाई 27/25, एलसीएम ले लिया 25 + 25 + 2 = 27। अब इसकी पावर 3 है तो इट मींस ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 times। इज इट क्लियर, 25 × 8 = 200 और 2 0 एज इट इज। 25 कट करेंगे इससे, 25 × 3 = 75, 2 = 50। क्लियर, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो कि जैसे आपने क्या किया 20,000 को कटिंग करके स्मॉलेस्ट उसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाता है, जैसे ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 27 का क्यूब। मैंने आपको पहले बताया बेटा आपको लर्न करना होगा, जैसे क्यूब्स होते हैं उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब जैसे आपको अगर लर्न होगा कि 25 का क्यूब क्या होता है तो आप इजीली फटाफट मल्टीप्लाई नहीं ना करनी पड़ेगी आपको, तो आप 25 का क्यूब लिख दोगे डायरेक्टली। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25। अब ये जो क्यूब आया इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 32 से, बिकॉज ऊपर क्या है 32, तो मल्टीप्लाई विद 32, सो वी गेट 629856 डिवाइडेड बाय 25। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अमाउंट यस, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू डिवाइड करके आपके पास आ गया 25149.25। ये क्या आ गया आपका, अमाउंट। ओके अब आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना है क्या, एक तो आपको अमाउंट बोला है, दूसरा क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी, इट मींस जो आपका अमाउंट आया उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप अमाउंट में से 22,519.24 माइनस करेंगे क्या, 20,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5,194.24। ये जो आया आपका इतने रुपीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इज इट क्लियर एवरीवन, इस टाइप से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डेबिट डिपॉजिट सम इन ICICI बैंक फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट 8%, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट गेट्स। मतलब आपके पास प्रिंसिपल जो दे रखा है, जो उसने मनी डिपॉजिट कराई 6,250 रुपीज, इज इट क्लियर। अब रेट उसने बोला है 8%, मैंने आपको बताया कि जब आपको हाफ ईयरली बोला जाए तो आपने रेट को क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4%। तो मतलब हाफ ईयरली के लिए आपको रेट कितनी लेनी है, 4%। अब टाइम आपको क्या दे रखा है, 1 ईयर। 1 ईयर अगर बोला है
तो जब आपको हाफ ईयरली बोला जाए तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो आपने टाइम क्या लेना है 2। ओके, तो अब निकाल दें पहले अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, लिख दिया ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज टू पार्ट 2। ओके, तो कर दीजिए इसको 6250 425 425 100। तो ये कितना आ गया 26/25। आपको एलसीएम लेना है ना, 25 + 25 + 1 = 26, तो पावर 2 है, तो इसको 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 25 = 625। तो यहाँ आ गया 1 और 0, तो आपके पास कितना आ गया 10। अब 26 का स्केयर आपको पता है कितना होता है, 676, मल्टीप्लाई 10 करोगे तो ये आ गया। इट मींस आपका अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इतना बनेगा। तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए। अमाउंट आपका आया 6760 - 6250, इज इट क्लियर। 6760 माइनस कर दोगे आप क्या इसमें 6250, तो अब हम माइनस कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 0 1 5 rupees 510। इट मीन्स आपको हाफ ईयरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कितना मिलेगा, 510 rupees, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम ये आ रखा है क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है कितना, इज इक्वल टू 40 rupees। तो अब आप पहले तो क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके, पी इसमें गिवन नहीं है तो सम को हम लेट कर लेते हैं, पी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यस 1 + r/100 रेज टू पार n माइनस 1, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, माइनस p × r × t/100, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 40। अब आप वैल्यू पुट करिए, प्रिंसिपल तो आपको पता नहीं, आपने p रख दिया, 1 + r कितना है आपका 5/100 रेज टू पार 2 years माइनस 1 माइनस p × rate 5 × time 2/100 इज इक्वल्स टू 40। तो कितना आ गया 520s, तो p ब्रैकेट 20 + 1 = 21 21/20 का स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 5 × 10, ये एक जीरो कट जाएगी, तो आपका आ गया p/10 इज इक्वल्स टू 40। इज इट क्लियर एवरीवन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास था p 21 का स्क्वायर हो गया 441 माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 1 माइनस p/10 इज इक्वल टू 40। चलिए जी, तो कितना आ गया p, इसका एलसीएम ले लीजिए, 441 - 400, तो कितना हो गया 41/400 माइनस p/10 इज इक्वल्स टू 40। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 400, तो ये आ गया 41p - 40p इज इक्वल्स टू 40। तो ये कितना आ गया p/400 इज इक्वल्स टू 40। सो p इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 16,000, तो p कितना आ गया आपका 16,000। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द प्रिंसिपल, तो सिंपल आपने इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका प्रिंसिपल निकल गया, इट्स वेरी इजी, इजी और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपीज 4000 अमाउंट टू दिस इन टू इयर्स। अब उसने बोला है रेट फाइंड करिए, अगर आपको अमाउंट कहता कितना बन जाए 4410 रुपीज अगर अमाउंट है और आपका जो प्रिंसिपल था वो था 4000, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगा और टाइम है आपका टू इयर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अमाउंट इज इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे देखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू, लगा दीजिए अमाउंट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, पी ब्रैकेट 1+R अपॉन 100 रेज टू पार n, इज इट क्लियर। अब अमाउंट आपको कितना दे रखा है 4410 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 4000 अपॉन 1+R आपको फाइंड करनी है, उसने बोला है ना फाइंड द रेट, तो रेट को आप आर ही रहने दो, होल पावर एन कितना है आपका टू इयर्स, एन मतलब टाइम, टाइम आपको गिवन है टू इयर्स। अब 4000 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4410 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू 1+R अपॉन 100 रेज टू पार टू, जीरो से जीरो कैंसिल, 441 को आप क्या लिख सकते हो 21 और 400 को क्या लिखोगे 20, इसका स्क्वायर लिख सकते हो स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 1+R अपॉन 100 होल पावर 2। अब आपको पता है पावर दोनों की सेम है तो आप पावर्स को कैंसिल आउट कर दीजिए स्क्वायर से, तो ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर आपके कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 21/20 इज इक्वल्स टू 1+R/100। अब 21/20 माइनस 1 कर दीजिए इज इक्वल्स टू R/100, तो कितना आ गया 21-20/20 इज इक्वल्स टू R/100। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 21-20 कितना हो गया आपके पास 1/20 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी आर की वैल्यू फाइंड होगी, तो 25 100। तो आपको पूछा था फाइंड रेट, सो रेट कितनी आ गई 5% इज द आंसर, इज इट क्लियर। ऐसे आप रेट फाइंड आउट कर सकते हो, एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रीवियस क्वेश्चन बट इसमें आपको पूछा हाउ मेनी ईयर्स, इट मीन्स इसमें आपको क्या दे रखा है टाइम, टाइम के बारे में पूछा है, तो आपका प्रिंसिपल क्या गिवन है आपको 1800 एंड अमाउंट इज इक्वल टू 2178 एंड रेट इज इक्वल्स टू 10%, इज इट क्लियर। सो फाइंड क्या करना है हमें टाइम, तो अप्लाइंग द फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1+R अपॉन 100। अब आप देखिए 1/R/100 रेज टू पार n, तो लगा दीजिए फॉर्मूला 2178 अमाउंट है आपके पास प्रिंसिपल 1800 ब्रैकेट 1+R तो गिवन है यस 10/100 रेज टू पार n, इज इट क्लियर एवरीवन। चलिए 2178 अपॉन कर दीजिए 1800 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 10 × 10 + 1 11/10 रेज टू पार n। अब आप देखिए ये अगर कैंसिल होते हैं तो इसको कैंसिल करिए, जैसे 3 से कैंसिल हो गया 3
सिक्स 18 00, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। अब देखिए क्या फिर कैंसिल हो रहा है, यस करिए। 2 0 0 3 से ही कैंसिल कर रही हूँ, इसको भी करिए। 3 2 जा 6, 1 4 जा 12, 2 जा। अब किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से, 1 0 0, और ये 2 से कैंसिल हो गया, 121। सिंपल। अब आप 121 को क्या लिख सकते हो, 11/100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, और 121 को 11 का स्क्वायर, तो इट मींस 11/10 का स्क्वायर, 11/10 होल पावर n। अब आपको पता है एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, अगर आपके बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। सो n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, सो n कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स। तो इस तरह से आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन किया आज के, किसी में आपको टाइम फाइंड करना था, किसी में आपको रेट फाइंड आउट करनी थी, किन्हीं क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस दे रखा था कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का, वहां से आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, ओके? तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इससे इसी टॉपिक से कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। और हमारी चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, मेरी वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।